हेलो दोस्तों, मैं दीपांशु कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टैलेंटेड बॉय में आज एक बार फिर सेवा में पुनः उपस्थित। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस, यानी कि जो एग्रीकल्चर क्षेत्र में जितनी भी क्रांतियां होती हैं उनसे आपके एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उन्हीं की आज सेवा करने का हमें आपका मौका मिला है, तो आपको हम बताएं कि क्या है। नंबर एक पे आती है आपकी व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन जो कि आपकी मिल्क मिल्क प्रोडक्शन या फिर ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। यानी कि जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है, यानी कि जो श्वेत क्रांति है, वो हमारी मिल्क प्रोडक्शन यानी कि दूध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन और ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड क्या है इसके बारे में भी जान लें कि ऑपरेशन जो फ्लड है वो आपका जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, उसकी स्थापना 1970 ईस्वी में 13 जनवरी को हुई थी। ठीक है, तो ये ऑपरेशन फ्लड जो है वो उसी से संबंधित है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 1970 में जिसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी जो है आपका दूध दुग्ध मिल्क से संबंधित है। उसके बाद अगला आता है आपका ब्लू, ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू, अब इसको यदि हम रिलेट करें किसी चीज से कि ब्लू ब्लू क्या होता है। ब्लू मतलब एक समझ लो कि समुद्र है, समुद्र के पानी को यदि हम भरे हुए पानी को देखें तो वो नीला समझ में आएगा। ठीक है, नीले जैसा। तो नीला यानी कि ब्लू माने नीला, और नीले में रहता क्या है, समुद्र में क्या रहती है, मछलियां। तो ब्लू रिवॉल्यूशन जो है वो आपका फिश प्रोडक्शन से संबंधित है, यानी कि मछली उत्पादन से, फिश प्रोडक्शन से। ठीक, उसके बाद अगला आता है आपका येलो, येलो येलो रिवॉल्यूशन। येलो रिवॉल्यूशन जो है वो आपका ऑयल सीड प्रोडक्शन, या फिर इसे कह सकते हैं मस्टर्ड। अब मस्टर्ड जो है वो हमारी कई प्रकार की होती है, उसमें आपकी पीली सरसों भी होती है, मस्टर्ड माने सरसों, तो इसमें आपकी पीली सरसों भी होती है। तो पीली सरसों यही इसी से रिलेट कर लो कि पीली क्रांति, यानी कि येलो माने पीला, तो पीली क्रांति मस्टर्ड मीन्स ऑयल सीड प्रोडक्शन से संबंधित है। किससे, प्रोडक्शन से। ये याद नहीं रहती है, इसीलिए किसी ना किसी चीज से रिलेट करके यदि हम पढ़ेंगे तो ये हमेशा याद रहेगी। जैसे मिल्क, मिल्क कैसा होता है, सफेद, तो सफेद क्रांति श्वेत क्रांति किससे, रिवॉल्यूशन जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है वो आपकी किससे, मिल्क से। अगला आता है आपका ब्लू मीन्स नीला, तो नीला क्या होता है, पानी, और पानी में क्या रहती है, मछलियां, तो किससे संबंधित है, मछली उत्पादन से। अगला आता है आपका येलो, येलो रिवॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो येलो माने होता है पीला, तो पीली क्रांति जो है वो आपकी ऑयल सीड प्रोडक्शन ही मस्टर्ड, यानी कि जो पीली सरसों है, ऑयल आपका कुछ सरसों का ऑयल हम ज्यादा प्रयोग करते हैं और लगभग कुछ पीला टाइप होता है, तो उसी से हम रिलेट कर लें कि ऑयल सीड प्रोडक्शन जो है वो आपका येलो रिवॉल्यूशन संबंधित है। अगला आता है आपका ग्रे, ग्रे रिवॉल्यूशन, ये आपका फर्टिलाइजर प्रोडक्शन मीन्स उर्वरक, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से संबंधित है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से संबंधित है मीन्स उर्वरक उत्पादन से ग्रे रिवॉल्यूशन संबंधित है। अगला आता है आपका राउंड रिवॉल्यूशन, राउंड रिवॉल्यूशन। अब राउंड रिवॉल्यूशन के बारे में यदि हम बात करें तो वो है आपका राउंड, राउंड क्या होता है, आलू मीन्स पोटैटो। एक तरीके से मान लें कि पोटैटो प्रोडक्शन जो है वो हमारा राउंड रिवॉल्यूशन के अंतर्गत आता है, मीन्स गोल क्रांति के बारे में यदि लिखा आ जाए कि गोल क्रांति किससे संबंधित है, तो वो आपकी किससे, आलू से, मीन्स पोटैटो प्रोडक्शन से। अब यहीं से रिलेट कर लो कि आलू कैसा होता है, गोल होता है, तो गोल संबंध कर लो कि राउंड रिवॉल्यूशन जो है वो आपकी आलू से संबंधित है। अगला आता है आपका ब्राउन रिवॉल्यूशन, ब्राउन रिवॉल्यूशन वो यानी कि ब्राउन मीन्स बादामी क्रांति, तो ये आपकी जो संबंधित है वो है आपकी फूड प्रोसेसिंग से, फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग से आपकी जो है ब्राउन रिवॉल्यूशन संबंधित है, मीन्स बादामी क्रांति जो है वो आपकी फूड प्रोसेसिंग से संबंधित है।
अगला आता है आपका, अगला आता है आपका सिल्वर, सिल्वर रिवॉल्यूशन। अब सिल्वर को हिंदी में हम रजत क्रांति भी कहते हैं, सिल्वर को हम हिंदी में रजत क्रांति भी कहते हैं। तो सिल्वर क्रांति जो है, यानी कि जो रजत क्रांति है, और ये आपकी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो रजत क्रांति जो संबंधित है वो है आपकी एग, एग प्रोडक्शन या फिर पोल्ट्री प्रोडक्शन। और पोल्ट्री की हिंदी होती है मुर्गी पालन, पोल्ट्री को हम हिंदी में कहते हैं मुर्गी पालन, जबकि एग प्रोडक्शन यानी कि अंडा उत्पादन। यानी कि जो सिल्वर रिवॉल्यूशन है, रजत क्रांति जो है, वो आपकी अंडा उत्पादन या फिर मुर्गी पालन से संबंधित है। कौन सी? रजत क्रांति। अगला आता है आपका गोल्डन रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन के बारे में यदि हम बात करें तो गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है वो आपकी आती है फ्रूट या हनी, हनी प्रोडक्शन, हनी प्रोडक्शन। फ्रूट का मतलब फल, यदि फल दिया जाए कि फल जो है किस क्रांति से संबंधित है, या गोल्डन रिवॉल्यूशन से क्या संबंधित है, या गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, तो यदि आपको ऑप्शन फल मिलेगा तो आप फल लगाएंगे, और यदि आपको यानी कि फ्रूट मिलेगा तो फ्रूट लगाएंगे, और यदि आपको हनी प्रोडक्शन मीन शहद उत्पादन मिलेगा तो आप शहद उत्पादन लगाएंगे। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, और जैसे सिल्वर रिवॉल्यूशन में भी एग और पोल्ट्री में से कोई भी आ सकता है, या दोनों भी आ सकते हैं इसी प्रकार से। ठीक है, तो ये जो दोनों जो है फ्रूट प्रोडक्शन और हनी प्रोडक्शन, ये दोनों आपके गोल्डन रिवॉल्यूशन से संबंधित है। ठीक है, अगला आता है आपका रेड, रेड रिवॉल्यूशन। रेड रिवॉल्यूशन आता है आपका, वो होता है आपका मीट प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन या फिर टोमेटो प्रोडक्शन। यानी कि दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। मीट प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन यानी कि आपका मांस उत्पादन, और टोमेटो प्रोडक्शन मीन्स टमाटर। टमाटर कैसा होता है? लाल होता है। और मीट कैसा होता है? वो भी लाल होता है। इसी समझ लो कि रेड जो है वो रेड क्रांति यानी कि लाल क्रांति जो संबंधित है वो आपकी टोमेटो यानी कि टमाटर और मीट मीन्स मांस से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद अगला आता है आपका पिंक, पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक का मतलब होता है गुलाबी। अब गुलाबी क्रांति की यदि हम बात करें तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? वो आती है आपकी ओनियन से। किससे? ऑनियन से। ऑनियन प्रोडक्शन मीन्स प्याज उत्पादन से। प्याज उत्पादन से जो है आपकी वो पिंक रिवॉल्यूशन मीन्स गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अब बात करें हम आगे आपकी, क्या आता है आपका ब्लैक, ब्लैक रिवॉल्यूशन। ब्लैक रिवॉल्यूशन मीन्स काली क्रांति, यानी कि ब्लैक रिवॉल्यूशन के बारे में यदि हम बात करें, मीन्स काली क्रांति के बारे में यदि हम बात करें, तो उसमें आता है आपका बायोफ्यूल, बायोफ्यूल या फिर इसे कहते हैं जेट्रोफा। अब बायोफ्यूल क्या है? बायो माने जैव और फ्यूल माने ईंधन, यानी कि जो जैव ईंधन होता है उससे जो है आपकी ब्लैक क्रांति मीन्स ब्लैक रिवॉल्यूशन संबंधित है। अब इसे रिलेट कैसे करेंगे कि हम याद कैसे रखें कि ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, तो हम यहीं पर बात कर लेंगे जो जैव ईंधन है, यदि जब हम जैव ईंधन को हम जलाते हैं, ईंधन को जब हम जलाते हैं तो धुआं निकलता है, और धुआं किस कैसा होता है? काला, काला धुआं होता है। तो काला धुआं इसी से रिलेट कर लो कि ब्लैक, ब्लैक रिवॉल्यूशन बायोफ्यूल। अब बात आती है जेट्रोफा की। बहुत से लोगों को जेट्रोफा के बारे में मालूम नहीं होगा, तो हम बता दें कि जेट्रोफा जो है आपकी जो छोटी अंडी होती है, छोटी अंडी जो कि आपके रोड के किनारे कहीं पर आपको होगी मिलेगी, छोटा छोटा सा उसका पौधा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, और उसमें छोटी छोटी अंडियां लगती हैं, तो वो आपकी बायोफ्यूल में आपका जो है अच्छा उत्पादन देती है। तो जेट्रोफा उत्पादन, जेट्रोफा प्रोडक्शन या फिर बायोफ्यूल, ये जो है आपके दोनों के दोनों जो है आपके ब्लैक रिवॉल्यूशन से संबंधित है। ठीक है, अगला आता है आपका रेनबो, रेनबो
रिवॉल्यूशन। हम बात करें रेनबो रिवॉल्यूशन की, यदि हम बात करें तो रेनबो रिवॉल्यूशन जो है वो आपका आता है ऑल एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑल एग्रीकल्चर सेक्टर लिख दें, या फिर ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे रेनबो, रेनबो में क्या होता है। अब हम कैसे जाने कि ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर किसमें आते हैं, रेनबो रिवॉल्यूशन में आते हैं, मीन्स इंद्रधनुष, इंद्रधनुष क्रांति में। अब इंद्रधनुष क्या होता है कि इंद्रधनुष में सात रंग होते हैं, ठीक है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, सात। तो यहां पर हमने जितनी लगभग आपको क्रांति बताई उसमें सात रंग से तो ज्यादा ही हो गए, यानी मान लिया जाए एक तरीके से रिलेट कर लिया जाए तो ये जितनी भी क्रांतियां थी वो आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी। ठीक है, अब बात आती है आपकी रेनबो रिवॉल्यूशन की, तो रेनबो में जितनी भी आपकी आती है वो सभी आपकी ऑल एग्रीकल्चर सेक्टर या ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इस प्रकार से, यानी कि जो सात रंग होते हैं सातों क्रांतियों को उसी में मिला दो तो आपका क्या पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर बन जाएगा। उसी प्रकार से हम इसे रिलेट कर लें कि रेनबो रिवॉल्यूशन जो है वो आपकी ऑल सेक्टर में आती है। अब एक क्रांति आपके पेपर में पूछी गई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्रांति आपके पेपर में पूछी गई जिसका नाम था परभनी क्रांति, परभनी रिवॉल्यूशन। अब परभनी क्रांति या परभनी रिवॉल्यूशन ये कोई क्रांति, एक ऐसी क्रांति नहीं है जो कि कहीं हुई। ये जो परभनी क्रांति है या परभनी रिवॉल्यूशन है ये एक भिंडी की प्रजाति है, भिंडी की, भिंडी की प्रजाति है, भिंडी, भिंडी जिसको हम जिसका साइंटिफिक नेम एवल मॉस्कस स्कुलेंटम होता है, भिंडी का साइंटिफिक नेम एवल मॉस्कस स्कुलेंटम। जो इसमें लिबलवाहट होती है वो आपकी लर्मेरोल के कारण होती है, जो भिंडी में जो लिबलवाहट होती है ना वो आपकी लर्मेरोल, लर्मेरोल के कारण होती है। ठीक है, तो जो परभनी क्रांति के बारे में यदि आपसे एक बार पूछ दिया गया परभनी क्रांति किससे संबंधित है तो वो आपकी किससे संबंधित है, भिंडी की, भिंडी संबंधित, क्योंकि भिंडी की एक प्रजाति है, क्या वेराइटी है भिंडी की, क्या परभनी क्रांति। ठीक है, तो ये तो आपकी 13 क्रांतियां थी वो हमने आपको बता दी। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और वीडियो यदि किसी भी चीज को यदि आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताना, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम बात करें यदि कुछ ऐसी चीजों की कि कुछ लोग होते हैं वो इस चीज में भी कई कमियां निकाल देंगे, कुछ कमियां ऐसी होती हैं जो इसमें बहुत सारी कमियां निकाल देंगे, कुछ कमियां निकालने ही वाले होते हैं तो क्या किया जाए। तो अब हम बात करें कमियां, जिस दिन आप लोग ना कमियां निकालना बंद कर देंगे उस दिन आप समझ लेना कि हम सक्सेस की तरफ दौड़ रहे हैं, सक्सेस की तरफ हम जा रहे हैं। और यदि जब इसी प्रकार से यदि भारत देश में लोग सक्सेस, पूरे संसार की यदि हम बात करें तो यदि लोग अपने आप को सुधारना सीख जाए ना तो शायद है कि संसार में एक व्यक्ति तो ठीक होगा, और इसी प्रकार से यदि सभी व्यक्ति अपने आप में सुधार करने लगे तो शायद संसार सुधर जाएगा। ठीक है, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।